बत्ती बंद कर दी है। जरूरी है कि सरकार मरने वालों की संख्या के मुद्दे पर आए, बताएं कि मरने वालों की संख्या कम है या नहीं, बदलाव होगा कि नहीं। हमने लगातार पीएम केयर्स के वेंटिलेटर के घटिया होने पर रिपोर्ट दिखाई। आज बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सरकारी पक्ष को फटकारते हुए कहा कि सरकार खराब वेंटिलेटर देने वाली कंपनी ज्योति सीएनसी का बचाव कर रही है और दावा करती है कि डॉक्टर और पैरामेडिक वेंटिलेटर चलाने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं है। कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट का सम्मान कीजिए, जिनमें कहा गया है कि वेंटिलेटर में खराबी है और इन खराबी को दूर करें। कुछ ही दिन पहले औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज के डीन ने कोर्ट से कहा था कि पीएम केयर्स के तहत मिले 113 वेंटिलेटर खराब, चलते चलते ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे मरीजों की जान जाते जाते बची है। अब एक और कमाल हुआ है, डीन कह रहे पीएम केयर्स से आया, लेकिन कोर्ट में केंद्र सरकार कह रही है कि ये पीएम केयर्स के तहत 150 वेंटिलेटर नहीं दिए गए, जबकि यही बात केंद्र सरकार कोर्ट में पहले कह चुकी है कि ये पीएम केयर्स के दिए गए वेंटिलेटर। ये तो आलम है। अब ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं छापा ना, पीएम केयर्स का वेंटिलेटर खराब है। कितनी जगहों से हिंदुस्तान की मीडिया में रिपोर्ट आई है, लेकिन खराब और घटिया वेंटिलेटर की सप्लाई के आरोप को भी सरकार स्वीकार करने के मूड में नहीं है, अनदेखा कर दे रही है। जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि पीएम केयर्स के घटिया वेंटिलेटर के कारण किसी की जान तो नहीं गई है, और गई है तो कितनों की गई है। अब हम बात करेंगे ड्राइव थ्रू टीका केंद्रों पर। गुरुग्राम से लेकर नोएडा, दिल्ली, अहमदाबाद और भोपाल सहित देश के कई शहरों में कार वालों के लिए अलग से टीका सेंटर बनाया जा रहा है, जिनका हिंदी में नाम रखा गया है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। किसी शहर में 3 तो किसी में 10 ड्राइव थ्रू सेंटर बनाए जा रहे हैं, रोज रोज खुल रहे हैं। एक तरफ टीका केंद्र के बंद होने की खबरें आती हैं, दूसरी तरफ ऐसे सेंटर के खुलने का हंगामा होता है। ऐसे सेंटर ज़्यादातर मॉल से लेकर पॉश स्कूलों में खोले जा रहे हैं। जब लोग मर रहे थे तब ये स्कूल और मॉल किसी को नज़र नहीं आए कि इनके कमरों में अस्पताल बना दिया जाए। मॉल के बड़े बड़े बरामदे नज़र नहीं आए कि यहाँ पर एसी चलाकर ऑक्सीजन सेंटर बना दिया जाए। ये मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है। आप देख सकते हैं जो गाड़ियों की कतार है वो एक एक करके यहाँ अंदर जाएगी, और उसके बाद जिन लोगों ने 18 से 44 के बीच, 45 के बीच कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन की सुविधा है। और जो 45 प्लस हैं, अगर वो ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो उनके लिए ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो ऐप रजिस्ट्रेशन उनका देखते हैं। और उसके बाद ये दरअसल मध्य प्रदेश टूरिज़्म की प्रॉपर्टी है, और यहाँ एक ड्राइव इन सिनेमा है जो बना हुआ था, और उसके प्रचार प्रसार के तौर पर पहले, लेकिन अब यहाँ फ़िलहाल चूँकि कोरोना काल में, महामारी में, ऐसी कोई फिल्में यहाँ प्रदर्शित हो नहीं रही हैं, तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन के तौर पर मेरे कैमरा पर सहयोगी रिजवान आपको दिखा पाएंगे। अंदर भी जो गाड़ियाँ हैं उसकी कतार लगी हुई है, और आप गाड़ी में बैठे रहिए, अपना वैक्सीन लगवाइए, उसकी सुविधा यहाँ पर दी गई है। कई सारे लोग आपको दिखेंगे जो अपने अपने चार पहिया वाहनों से यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, वो आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन दिखेगी। दरअसल ये, अगर आपको रिजवान वो स्क्रीन दिखा पाएँ, वो ड्राइव इन सिनेमा के लिए यहाँ पर स्क्रीन है। यहाँ पर बहुत ही VIP इलाका है, यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का बंगला है, बहुत सारे अधिकारियों के बंगले हैं, मंत्रियों के बंगले हैं, 5 सितारा होटल हैं। आगे आप जाएंगे तो एक बहुत ही पॉश सी कॉलोनी है, और इसी के पास में बस्तियाँ भी हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। वहाँ जाकर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहर के इतने पॉश इलाके में जो वैक्सीनेशन सेंटर बना है, क्या उससे उनको कुछ लाभ हुआ है। तारिक भाई, आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, लगवा ली। कहाँ पर लगवाई आपने? प्रोफेसर कॉलेज। तो ये घर के पास में या यहाँ पर अशोका में ड्राइव इन, वहाँ पे क्यों नहीं गया?
तब मुझे पैदल जाना था वहाँ पर, कार से जाना पड़ता है। अच्छा, वहाँ कार वालों की एंट्री जाना, वहाँ कार वालों की एंट्री, हमें पैदल जाना। आपका आपका कितना दानिश आपने भी लगवा ली गाड़ी तो यहाँ पे लगवाई आपने? नहीं प्रोफेसर, आपने प्रोफेसर में यहाँ पे क्यों नहीं लगवाई आपने? यहाँ कार वालों की एंट्री ज़्यादा, गरीबों की एंट्री नहीं है। अच्छा, ऐसा ऐसा आप लोगों को लगता है? जाने अनजाने में इस तरह का अंतर बन रहा है। जब महामारी ने अमीर और गरीब दोनों को एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है तो किस दम पर कार वाले अपने लिए अलग लाइन बनते ही दौड़ पड़े हैं? क्या कार वालों को ही अस्पताल जाकर टीका लेने से कोरोना होने का डर सता रहा है? क्या इसके पहले कार वाले टीका लेने अस्पताल नहीं गए? गुजरात में अलग ही किस्सा है। अहमदाबाद के ड्राइव थ्रू टीका केंद्र में लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन में लग जा रहे हैं अपनी अपनी कार लेकर। 1,000 रुपया दे रहे हैं टीका के लिए और कार का पेट्रोल अलग से फूंक रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसकी अनुमति से यह खुला है पता नहीं। संदेश अखबार ने तस्वीर छापी है कि अहमदाबाद के GMDC मैदान में लोग कार लेकर आए हैं और वहां अपोलो अस्पताल के कर्मचारी 1,000 रुपये में टीका लगवा रहे हैं। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपोलो अस्पताल से PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर यह काम शुरू किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ कारों की कतारें हैं, लेकिन किसकी अनुमति से यह सब हो रहा है कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। इस जगह पर कार से पहुँचिए, पंजीकरण करा लीजिए। दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में टीका लेने वालों को पहले कोविन में पंजीकरण कराना होता है, टाइम लेना होता है और फिर टीका होगा तो टीका लेना होता है। AMC ने जो PPP मॉडल के साथ ये इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन AMC ने अपने आप को आज से अलग कर लिया है कि इसमें वो नहीं है। अब सवाल ये यहाँ पर ये आता है कि जो पैसा देगा उसको वैक्सीन मिलेगी। जो लोग गरीब लोग हैं, जो सरकारी संस्थाओं में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उनका नंबर या तो देरी से आएगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो गैप है एक डोज के और दूसरे डोज के बीच में, वो भी लंबा हो सकता है। जबकि गुजरात में 15,000 लोगों को वैक्सीनेटर को ट्रेनिंग दिया गया और कुल 75,000 मैन पावर को तैयार किया गया है। फिर और जो कैपेसिटी है वो पर डे 15 लाख वैक्सीनेशन करने की है, फिर भी गुजरात में अभी सिर्फ 1.5 लाख वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये जो ड्राइव थ्रू का जो आइडिया है वो सिर्फ पैसे वालों के लिए, और कितनी वैक्सीन प्राइवेट वैक्सीनेशन में जाएगी और सरकार में सरकारी अमलों में कितनी आएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है और उसकी कोई इसके बीच में कोई रैशनलिटी नहीं है। कार वालों के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर हेडलाइन बनवाने के लिए और फ्रंट पेज पर छपने वाली तस्वीरों के लिए खोले जा रहे हैं। अगर कार वालों का इतना ही प्रभाव बचा है तो फिर उस प्रभाव से अस्पताल और ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला? अभी 1 हफ्ता पहले तक कार वालों पर भी क्या गुजरी है, क्या उन्हें याद नहीं? 27 अप्रैल को पूर्व राजदूत अशोक अमरोही गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के बाहर 5 घंटे तक अपनी कार में बैठे रहे। उनकी पत्नी, उनके बेटे भाग भाग कर अस्पताल वाले से हाथ जोड़ते रहे कि अशोक अमरोही, उनका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, उनकी सांस टूट रही है, उन्हें भर्ती कराना ज़रूरी है। लेकिन अशोक अमरोही अस्पताल के परिसर में अपनी कार में ही बैठे रह गए और उनकी सांस उखड़ गई। यह खबर कितनी भयावह है। मिडिल क्लास ने सरकारी अस्पतालों को छोड़ प्राइवेट अस्पतालों का सपना देखा, इलाज वहां भी नहीं मिला। ऐसा ना जाने कितनों के साथ हुआ होगा। कार किसी काम ना आई, कार से अस्पताल ना मिला, ऑक्सीजन ना मिला, कार ही अस्पताल बन गया। कार में ऑक्सीजन सिलेंडर भरकर मरीज अस्पताल अस्पताल भाग रहे थे। इंदिरापुरम के गुरुद्वारे से एक समाधान निकला, ड्राइव इन ऑक्सीजन सेंटर खोला गया। अस्पताल जैसी जगह नहीं थी तो सड़क को घेरकर जगह बना ली गई, लोग कार में बैठे रहे और वहां ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाने लगी। ऐसा आइडिया सरकारों को क्यों नहीं आया? वह इसे तमाशे की तरह देखती रही। जब एक गुरुद्वारा यह काम कर सकता है तो आप ड्राइव इन टीका सेंटर बनाने वाली सरकारों से पूछिए कि जब आपके लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना,